स्वागत है प्रयास के इस यूट्यूब चैनल पे और आज है हमारा रिवीजन का डे कल और आज रहेगा एटीनथ और नाइनटीन रिवीजन हम करेंगे अपने सिलेबस का जो हमने शुरू किया था रिवीजन जो बेसिकली हमने पूरा अपना एक जो प्लान बनाया था उस चीज़ का रिवीजन हमने देखा था ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ जन हमने इसको शुरू किया था और आज जो है हो चुका है फोर्थ ऑफ अप्रैल और कल फिफ्थ तो हमने जो अभी तक इस हफ्ते में या लास्ट वीक में पढ़ा है उसको हम रिवाइज़ करेंगे जैसे हमने मैप्स के कई सारे पोर्शन देखा था और साइंस हमने शुरू किया था ट्वेंटी थर्ड ऑफ मार्च को तो उसमें जो है हमने क्लास सिक्स तो सेवन्थ कंप्लीट कर लिया था एर्ट्थ को भी हमने जो है कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट तो हम उसका रिविजन करेंगे एर्थ के जो लेक्चर्स हैं वो मैं शॉर्टली ही डाल दूंगा तो आप लोग को वहाँ से पढ़ के उसको पढ़ सकते हैं अदरवाइज़ अगर आपने अपने एंड पे एर्थ पढ़ लिया है तो आप उसके जो है क्वेश्चन उन चैप्टर्स पे क्वेश्चन लगा सकते हैं जो भी चैप्टर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे तो इस तरीके से रहेगा और जो है और क्या करना है आपको इंग्लिश में बेसिकली आपको क्वेश्चन लगाने हैं फ्रेजल वर्ब से और जो है अपने वोकेबलरी से तो ये आप करते रहिएगा ठीक है मैप से आपको मैंने बता दिया टारगेट वाइज जो हमने मैंने आपको एक एक चीज़ बताई उसको आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा आपका ये चीज़ कम्प्लीट हो जाएगी और आप जो है तैयार हो जाएंगे कि आपका आप इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं ठीक है ठीके? एक कहावत है जैसे कि सक्सेसफुल वॉरियर इज़ द एवरेज मैन विद लेज़र लाइक फोकस तो लेजर लाइक फोकस का क्या मतलब लेज़र लाइक फोकस का मतलब यही है कि अगर मान लीजिए आप किसी एक चीज की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप उसी पर फोकस रखिए ठीक है ठीके? जैसे कि आपने देखिए मैंने इस चैनल के माध्यम से मैं और भी चीजों को ला सकता था यूपीपीसी पी के बारे में बता सकता था पीसीएस के बारे में भी बता सकता था बिकॉज जो हम लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छा खासा लेवल है परंतु मैंने ऐसा नहीं किया मैंने सिर्फ आपको कंसनट्रेट करा सिक्सटी डेज के लिए कि आप जो है अलाहाबाद हाईकोर्ट की ही तैयारी पर फोकस करिए इधर उधर मत अपने आपको डाइवर्ट करिए तो ये चीज था ठीक है ना तो आप लोगों को इधर उधर बिल्कुल फोकस नहीं करना है जो आपको मैंने बताया है टारगेट बताए हैं इन पर लेजर लाइक फोकस रखना है कि क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है का और देखिए क्या होता है ना जब स्टूडेंट्स तैयारी करना शुरू करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कहाँ से पढ़ें कोई रास्ता नहीं पता होता है ठीक है वो हर चीज़ क्या होता है एक चीज़ करते हैं फिर रैंडमली कोई चीज़ आ जाती है फिर रैंडमली कोई चीज़ आ जाती है और फिर आखिरी में जाके हम थोड़ा बहुत कुछ पढ़ पाते हैं और फिर उससे तैयारी नहीं होती पूरी पर आप देखिए अगर आप ट्वेंटी ऑफ जनवरी से इस चीज़ को कर रहे हैं तो आपने देखा होगा आपको कितनी सारी चीज़ें आपने कवर कर ली हैं कितने ज़्यादा क्वेश्चन लगा लिए होंगे कितना ज़्यादा आपने वोकैबरी पढ़ ली होगी और अच्छा खासा टाइपिंग भी कर चुके होंगे तो आप पूरी तरीके से बहुत अच्छे से तैयार कर चुके हैं और मैं आपको सच बताऊँ ये करने वाले बहुत कम लोग होंगे मैं आपको ये भी बता देता हूँ क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वो बहुत ही विरले लोग हैं क्योंकि जो प्लानिंग करके पढ़ना बहुत टफ है ठीक है ना तो जिनका सिलेक्शन होगा आप उससे कम्पीट कर रहे होंगे जब आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिए इस बात का ठीक है ना तो तैयारी करिए अपनी इस तरीके से प्लान वे में तो आप जो है जो लोग हर बार सेलेक्ट होते हैं ना आप उनसे कम्पीट कर सकते हैं अगर आपका आज तक कभी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ठीक है तो ये चीज़ें तो आपके लिए मुझे लगता है, है मोटिवेशन रहेगा यहाँ से कि आप इसको कवर करें अच्छे से तो ये सारी चीज़ें रही हैं और जो है बेसिकली आज का मैंने आपको टारगेट बता दी तो आप इसको बिल्कुल टारगेट्स को फॉलो करिए और जो है इस कहावत को हमेशा याद रखिए कि आपको अपना फोकस एकदम लेज़र लाइक फोकस रखना है इधर तो भटकना नहीं है चीज़ों में डाइवर्ट नहीं करना अपने माइंड को अगर आपने एक चीज़ उठाई है प्लीज़ ईमानदारी से तीन चार महीने आप तैयारी कर लीजिए आपका आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा आराम से बैठो फिर आराम से जो करना लाइफ में करो है ना आपका आराम से पैंसठ साठ हज़ार रुपए की नौकरी लग जाएगी और वो भी बहुत ईजी है इसको निकालना एग्ज़ाम को ठीक है ना तो आप इस चीज़ को आराम से फॉलो करिए अपने शेड्यूल को और दूसरी चीज़ आप जो करना चाहिए आपको वो ये है कि आप टेस्ट सीरीज़ प्लीज़ सॉल्व करिए है ना टेस्ट सीरीज़ में क्या है कि जैसे मैंने जो टेस्ट सीरीज़ बनाई है वो एकदम अलाहाबाद कोर्ट के लेवल की है ठीक है आप चाहें तो दुनिया भर के लेवल की लगा लीजिए परंतु आपको आई कोर्ट के लेवल पर कॉन्फिडेंस आना चाहिए और इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज बनाई है इसके अंदर आप जो भी अपने बेसिकली मान लीजिए आपने जैसे मान लीजिए आज आपने कंप्यूटर पढ़ा तो कंप्यूटर का आप टेस्ट लगा लीजिए अगर आपने आधुनिक भारत पढ़ा इसको लगा लीजिए अब आपको लगाने के बाद क्या देखना है कि आपका कैसा रहा वो है ना उसमें कितना आपने सॉल्व किया कितना नहीं कर पाए तो आपको पता चलेगा आपको ऐसे पता चलेगा इस लेवल की तैयारी अगर मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरा क्या उसमें परफॉर्मेंस है तो टेस्ट सीरीज़ लगाने का कहीं तो फ़ायदा है अब आप बाहर पर जाके कहीं भी टेस्ट सीरीज लगा लो आपको क्या होगा आपको एक रैंडम टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा उसमें कि मेरा ये पोर्शन कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है और अगर आपको मान लीजिए मिल भी जाते हैं सेक्शन वाइड टेस्ट सीरीज़ तो आपको अलाहाबाद हाईकोर्ट के लेवल की नहीं मिलेगी तो ये सारी चीज़ें हैं आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आखिरी में फाइव फुल टेस्ट करेंगे जब भी टेस्ट जैसे ही आपका नोटिफिकेशन लॉन्च होगा एक हफ्ते के अंदर हम इसको आपको दे देंगे और आप जो है आराम से जो है फाइव फुल टेस्ट सॉल्व करना बैठ के अपनी जो भी आपने तैयारी तब तक करी होगी आप देख लेना एनालाइज़ कर लेना और जो है मुझे आशा है कि आप तब तक बिल्कुल तैयार होंगे ठीक है तो अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो जिसमें मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई रिविजन प्लान बता दिया कल आज और कल का तो आप प्लीज़ इसे कमेंट करिएगा लाइक करके मुझको बताइएगा और इसी तरीके से वीडियो देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार थैंक यू सो मच